सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे सीजी का यूनिट नंबर 6। बिफोर स्टार्टिंग अ शॉर्ट डिस्क्लेमर दैट गाइस, आप हेडफोन्स लगा लो और वॉल्यूम सॉफ्ट पे कर लो, क्योंकि मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ। मैं जितना चाहे चिल्ला लूँ यहाँ पे, ट्रेन का शोर और इतना अगल बगल शोर ज़्यादा है कि वो डिस्टर्बेंस आने वाला है। तो एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में, प्लीज़ बेयर इट विद मी। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है ना, आपका जो डिस्प्ले है, आपके डिस्प्ले में देखो, जब भी आप डिस्प्ले पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती है, मान लो एक लैंडस्केप है, लैंडस्केप में पहाड़ दिख रहे होंगे, पेड़ दिख रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होती है। तो उस डिस्प्ले का जो एक, मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर बोलूँ, उसको अपन कहते हैं सेगमेंट। यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, इट सेगमेंट करस्पॉन्ड टू अ कंपोनेंट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओवरऑल डिस्प्ले। आपके पूरे डिस्प्ले का एक ऑब्जेक्ट, अगर आपके पूरे डिस्प्ले में एक घर है, ठीक है, और एक पहाड़ है, तो इसमें दो ही सेगमेंट हुआ, एक घर हुआ और एक पहाड़ हुआ। समझ में आया क्या बोला? तो एक कंपोनेंट होता है ऐसे। तो सेगमेंट टेबल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं सेगमेंट टेबल? ताकि अपन एक्सेस कर पाए एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो उससे एसोसिएटेड है, उन सबको एक्सेस करने के लिए हमको सेगमेंट टेबल को का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और सेगमेंट टेबल अपन क्या करते हैं ना, हर एक सेगमेंट को एक यूनिक नेम देते हैं। यूनिक गायब हो गए, यहाँ पे इरेज करता हूँ। एक यूनिक नेम दिया अब दिख रहा होगा, ठीक है, एक यूनिक नेम गिवन होता है ताकि अपन उसको यूनिकली एक्सेस कर पाए। जाहिर से बात है ना, अगर मेरे एक सेगमेंट में ज़्यादा, मतलब सब जो एक अगर मेरे डिस्प्ले फाइल के अंदर ज़्यादा सेगमेंट्स है, तो मुझे अगर उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, तो मैं थोड़ी बोलूँगा बैट का, मतलब जैसे कि ये डायग्राम है, अगर इसमें देखो दो सेगमेंट है, एक बैट है एक बॉल है, तो सेगमेंट टेबल के अंदर ना देखो, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तुम्हारा डिस्प्ले फाइल हो गया, राइट। ये डिस्प्ले फाइल में एक बैट है और एक बॉल है, उसको भी सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक सेगमेंट तुम्हारे बैट के लिए, एक सेगमेंट तुम्हारे बॉल के लिए। और सेगमेंट टेबल में सारी चीज़ें होंगी इसकी, मतलब सेगमेंट का लेंथ, उसका साइज़, उसका कलर, उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका विजिबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है कि अगर मुझे बैट का कलर पता करना है या चेंज करना है, तो मैं कैसे बोलूँगा? बैट का कलर थोड़ी बोलूँगा, उसको थोड़ी पता है बैट क्या है, बॉल क्या है, उसको मैं नाम दे दूँगा। मतलब मैंने बैट को नाम दे दिया ए, बोलूँगा सेगमेंट ए का कलर, ठीक है। अगर ए नाम नहीं दिया तो आई कैन गिव सम नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे 01 दे दिया, तो 01 एक, मतलब इसी सेगमेंट का नाम दे दिया 01, तो आई कैन से 01 का कलर या 01 का हाइट या 01 का विजिबिलिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको अगर एक्सेस करना है तो एक उसको सेगमेंट टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल के अंदर एक यूनिक नाम देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अलॉन्ग विद द नेम वी मस्ट हैव टू डिस्प्ले द फाइल पोजीशन एंड द एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेम के साथ आपको बताना पड़ेगा फाइल का पोजीशन क्या है, मतलब उस डिस्प्ले के अंदर कुछ होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो दैट पोजीशन यू हैव टू स्पेसिफाई, ठीक है। उन्होंने बात को अभी सो कंक्लूड किया है कि जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, विच इज़ ऑफकोर्स सेगमेंट से जो रिलेटेड है, उसे कहते हैं सेगमेंट टेबल। तो आपको सेगमेंट टेबल क्या है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक सेगमेंट टेबल, देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है सेगमेंट टेबल में क्या क्या होता है एट्रीब्यूट, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कितने सारे एट्रीब्यूट है, स्टार्ट होता है, ठीक है। सेगमेंट नेम हो गया, विद नेम जो 0 है, 1 है, 2 है, ये आपको मतलब फॉर एग्जांपल लाइट्स है यूनिकली, अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है तो वो सेगमेंट नंबर से कर लोगे, ठीक है। फिर अगर सेगमेंट स्टार्ट है, सेगमेंट साइज़ हो गया, स्केल हो गया, स्केल एक्स हो गया, स्केल वाई हो गया, स्केल एक्स स्केल वाई पर देखेंगे आगे क्या होता है। कलर हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट का कलर क्या है। विजिबिलिटी हो गया, विजिबिलिटी या तो ऑन होती है या तो ऑफ होती है, ऑफ होगी तो वो दिख रहा नहीं होगा, ऑन होगा तो वो दिख रहा होगा, राइट। सिंपल है, ठीक है। और बेसिकली ये सब चीज़ों को अपन एरे रीयूज एरे, ठीक है, रीयूज एरे, वो दिख भी रहा होगा। देखो इंडेक्सिंग में हमने स्टार्टिंग 0 से की है, तो बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए अपन एरे यूज़ करते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर थ्योरी पढ़ लेना अगर आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखा है, इजी सा थ्योरी लिखा है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। और यहाँ पे अपन एरेज के साथ अगर एक और चीज़ अगर कुछ ध्यान दोगे तो एरेज के अलावा अपन यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। अभी लिंक लिस्ट क्या होता है सुनो, लिंक लिस्ट अगर एरे कब यूज़ करोगे, इफ़ यू नो कि आपके डिस्प्ले में कितने सेगमेंट्स हैं, तो आप एरे यूज़ करो, मतलब आपको पता है कि साइज़ क्या होने वाली है, ठीक है। बट और ये लिमिटेशन भी ना, अगर आप एरे यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है, एरे का एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी, जो सेगमेंट टेबल का जो लेंथ होगा इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरे, जो एरे का लेंथ होगा उतना ही होगा, मतलब एक लिमिटेशन होगी बेसिकली। अगर आप लिंक यूज़ करोगे ना तो कोई लिमिटेड, देयर विल बी नो
सच लिमिट ऑन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने भी सेगमेंट डालो, 1, 2, 200, 2000, क्योंकि लिंक लिस्ट है वो, ठीक है, एरे एरे का लिमिटेशन है वो, एरे नहीं पढ़ रहे अपन, पर जिसने थोड़ा बहुत एरे पढ़ा होगा सबको पता होगा कि एरे स्टैटिक होता है और लिंक लिस्ट का डायनामिक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिंक लिस्ट इज डायनामिक, ठीक है, डायनामिक मतलब बढ़ेगा वो साइज़, उसकी साइज़ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज सिंपल, ये सेगमेंट हो गया आपका, इसका इसको मिनिमाइज करो, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ठीक है, आपका सेगमेंट टेबल हो। अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अभी नेक्स्ट टॉपिक ये फंक्शनिंग फॉर सेगमेंटिंग डिस्प्ले फाइल, जिसमें एल्गोरिदम पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि सेगमेंट क्रिएशन के लिए एल्गोरिदम है, तो ये इसका थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी जो पूरा जो थ्योरी है ना, आप मैं इसको बताऊंगा एल्गोरिदम एक बार देख के आप थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना और फिर फेंक देना एग्जाम में, क्योंकि उसे एकदम यहीं से उठा के लिखा हुआ है सब कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो सेगमेंट क्रिएट सेगमेंट में देखते हैं क्या है, तो कैसे करना है, क्रिएट सेगमेंट का जो एल्गोरिदम है कैसा है, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप ये याद रखो कि आप एक स्टॉप है, ठीक है, स्टॉपिंग पॉइंट एकदम ध्यान में रखो, क्योंकि बाबर अपने यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, स्टॉप एक बार ध्यान में आ गया, अब स्टार्ट करते, सुनो स्टार्टिंग करोगे आप, फर्स्ट पहले आप चेक करोगे सेगमेंट अगर ओपन है या नहीं। देखो अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और ऑलरेडी ओपन है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है, अगर मैं कुछ क्रिएट करने जा रहा हूँ, कुछ अगर क्रिएट कर रहा हूँ सीज फॉर क्रिएट और जो ऑलरेडी ओपन है, तो ये कोई बात ही नहीं बनी ना, ठीक है। तो क्या करो आप चले जाओ स्टेप 9 के, मतलब आप स्टॉप कर दो, ठीक है, स्टॉप करने से पहले जो स्प्रिंट टाइम है सेगमेंट इज स्टिल ओपन, चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में आप करो रीड द नेम ऑफ द सेगमेंट, जो सेगमेंट क्रिएट करना है उसका सेगमेंट उसका नाम रीड करो। रीड करने के बाद आप क्या करो थर्ड स्टेप में, चेक वेदर द न्यू सेगमेंट नेम इज़ वैलिड, अभी जो सेगमेंट नेम है वैलिड है कि नहीं। तो कोई यूज़र येड़ा हो सकता है, यूज़र कुछ भी नाम डालेगा, ऐसा नहीं है, अगर वो जो नाम डाल रहा है वैलिड होना चाहिए तभी वो ओपन होगा, ठीक है। तो चेक करो सेगमेंट नेम वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड है तो ठीक है, नहीं है तो अगर जाओ स्टेप 9 पे, मतलब स्टॉप कर लो और जस्ट प्रिंट अ मैसेज बिफोर स्टॉपिंग या एग्जिटिंग, क्या पीछे तक पढ़ोगे नॉट अ वैलिड सेगमेंट नेम, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए इजी थे। फोर्थ पॉइंट में क्या करो, चेक करो कि इधर पीछे से आ जा, तो छोटू न्यू सेगमेंट जो नेम है छोटू इज ऑलरेडी छोटू एग्जिस्टिंग इन दिस सेम नेम, तो अगर सेगमेंट नेम जिसको आप ओपन कर रहे हो रीड कर रहे हो, अगर उस नेम का ऑलरेडी एक फाइल है, तो फिर से आप स्टॉप कर लो, स्टॉप करने से पहले अगर जस्ट प्रिंट द मैसेज कि सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी इजी था, राइट, ये भी इजी था। एक सेकंड में लेटर मेरा बंद हुआ, हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइज दिस आउट ऑफ दिस सेगमेंट एट द नेक्स्ट फ्री स्टोरेज, अभी एक बार जब ये सब काम हो गया तो क्या करो, आप जो नया सेगमेंट जो आप क्रिएट कर रहे थे उसका स्टार्टिंग का इनिशियलाइज कराओगे, जो भी आपके स्टोरेज में आपके स्टोरेज एरिया के अंदर जो फ्री स्टोरेज होगा ना, जाहिर से बात है ना, आपके स्टोरेज एरिया में जहाँ भी कहीं पे फ्री स्टोरेज होगा, जहाँ भरा हुआ होगा वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, जहाँ स्टोरेज फ्री होगा वहाँ पे इनिशियलाइज करा दो उसका स्टार्टिंग, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया, एक बार 5 हो गया, उसके बाद क्या करो लास्ट में 6 और 7 में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में ना जो इनिशियलाइज कर दो, 6 और 7 में क्या करना है आपको, इनिशियलाइज करना है आई एस फॉर इनिशियलाइज, क्या इनिशियलाइज करना है, साइज को इनिशियलाइज कर दो 0 से और एट्रीब्यूट को डाल दो डिफॉल्ट, समझ में आया, साइज स्टार्टिंग में अगर कुछ भी नहीं है तो साइज़ हो गई 0 और जो कि एट्रीब्यूट होंगे वो होंगे डिफॉल्ट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो सबने देखा था ना यहाँ पे, ये सारे ये तुम्हारे एट्रीब्यूट से, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट से, ठीक है। ये था, इसके ऊपर भी देखा था कि ये देखो ये सारे तुम्हारे एट्रीब्यूट्स थे, ये एरे को ये रिप्रेजेंट किया, एरे के यूज़ करके था या लिस्ट यूज़ करके किया हुआ था, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो एक बार ये सब हो गया, उसके बाद क्या करो लास्ट में इंडिकेट द न्यू सेगमेंट, अब इंडिकेट कर दो बस कि तुमने जो सेगमेंट फाइल जो जिसको तुम जो क्रिएट कर रहे थे वो भी ओपन हो गया, ठीक है, मतलब काम हो गया और सब काम होने के बाद स्टॉप, इतना ईजी था, ठीक है, इतना ईजी था, इसको पढ़ लेना जरूरी, ठीक है, और एक बार फिर एक बार ये देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना डिलीट करना है सेगमेंट को, डिलीट कैसे करोगे, देखो डिलीट करना भी सिंपल है यार, पहले क्या करो रीड द नेम ऑफ द सेगमेंट, भाई जिसको डिलीट करना है फिर उसका नाम तो रीड कर लो, ठीक है, वो रीड कर लिया उसको चेक करो द नेम इज़ वैलिड, भाई जिसको डिलीट जो नाम यूज़र दे रहा है वो नाम उसको उस नाम की फाइल को या सेगमेंट को डिलीट करना है तो नाम वैलिड होना चाहिए ना। मान लो आपके नाम है ABCD और यूज़र ने जेड को डिलीट किया है, तो जेड तो है ही नहीं, ठीक है, तो अगर नाम वैलिड नहीं है तो राधो सेगमेंट इज नॉट वैलिड, और चले जाओ स्टेप नंबर 8 पे। स्टेप नंबर 8 क्या है, स्टेप नंबर 8 इज स्टॉप, ठीक है, जैसे वहाँ पर देखा तो स्टॉप है, इधर भी एक स्टॉप है, बाबा स्टॉप पे आना पड़ेगा हमको, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हो आप, नेक्स्ट में आप देखो वापस यहाँ पे आ जाओ,
चेक पे जाता सेगमेंट इज ओपन, अगर चेक करना है सेगमेंट अगर ओपन है या नहीं, अगर ओपन है फिर से आपको जाना है स्टेप नंबर 8 पे, ठीक है। चले जाओ स्टेप नंबर 8 पे, स्टेप नंबर 8 पे चले जाओ, ठीक है, स्टेप नंबर 8 पे चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। क्यों जाओ स्टेप नंबर 8 पे भाई, अगर कोई फाइल ऑलरेडी ओपन है, ओपन है मतलब वो यूज़ में, अगर जो फाइल यूज़ में है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, राइट, सिंपल लॉजिक कॉमन सेंस, तो इसलिए आप इसको स्टॉप करते हो। तीन पॉइंट समझ में आ गया, पहले क्या करो नाम रीड करो, सेकंड में क्या करो चेक करो नाम वैलिड है कि नहीं, अगर इनवैलिड है तो स्टॉप कर जाओ एक मैसेज प्रिंट करके, थर्ड में चेक करो अगर सेगमेंट जो डिलीट कर रहे हो वो ओपन है कि नहीं, अगर वो ओपन है तो उसे डिलीट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो ओपन है, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया कि वो ओपन है दैट मीन्स यूज़ में है, यूज़ में है तो यू कैन नॉट डिलीट इट। आगे बढ़ो, स्टेप 8 पे चले जाओ, सीधा स्टॉप करो। स्टेप नंबर 4 पे क्या है, चेक विद द साइज ऑफ द सेगमेंट इज ग्रेटर देन 0, उसका साइज चेक करो, जीरो से बड़ा है कि नहीं, जीरो से बड़ा है कि नहीं, अगर 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 बड़ा नहीं है मतलब अगर जीरो के इक्वल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जीरो के इक्वल है मतलब क्या, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, जब हमने सेगमेंट क्रिएट किया था हमने इनिशियलाइज किया था जीरो से, मतलब एकदम इनिशियल फेज में, ठीक है, साइज़ उसकी जीरो दी थी, जैसे जैसे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन आएंगे उसकी साइज़ बड़ी होगी, बट इनिशियली क्या है साइज़ उसका जीरो ही होने वाला है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो आप चेक करो उसका साइज़ अगर जीरो से बड़ा है क्या, अगर जीरो से बड़ा नहीं है, जीरो के इक्वल है तो कुछ प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके सेगमेंट में कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो आप वही लिखा है, फिर चले जाओ स्टेप नंबर 8 मतलब वही लास्ट में चले जाओ, फिर क्या करो शिफ्ट द फाइल एलिमेंट्स विच फॉलो दिस सेगमेंट विच इज़ टू बी डिलीटेड बाय द साइज़। अभी ये इसका मतलब क्या है ना, मान लो समझो एक, अभी समझो आपका एरे, ठीक है, दिस इज योर एरे, तो एरे का एक सेगमेंट नंबर 0 हुआ, सेगमेंट नंबर 1 हुआ, सेगमेंट नंबर 2 हुआ, ठीक है, सेगमेंट नंबर 3 हुआ, सेगमेंट नंबर 4 हुआ, सपोज, ठीक है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है आपको, नेक्स्ट चीज़ ये करनी है, मान लो अगर आपने सेगमेंट को डिलीट किया है, अगर डिलीट किया है ना तो क्या करना है आपको, इस सेगमेंट नंबर 2 को शिफ्ट कर देना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, जो जो स्पेस जो डिलीट हुआ है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 3 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, 4 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, आप समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है, अगर ऐसे नहीं आ रही तो एक काम करो मैं कौन तरीके से समझाता हूँ तुमको तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, मान लो मैं स्पेस से समझाता हूँ, समझो ये तुम्हारा एरे नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, मैंने क्या क्या सारा उसको डिस्क्रीट बनाया है, कंटिन्यूस नहीं बनाया है, ठीक है, बराबर बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, मान लो आपने 1 को डिलीट किया, उनको डिलीट किया मतलब आपने ये गायब कर दिया, ये गायब किया, तो एक काम करो आप अपने 2 को उठाओ, इधर लेके आओ, इसको उठाओ इधर लेके आओ, ठीक है, अब समझ में आई होंगी चीज़ें, तो ऐसे करना होता है, तो मैं वही बोला है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद काम करो, उसके बाद कुछ मत करो, स्टॉप कर दो, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने चीज़ें, इतना भी लिखा तो बहुत लिखा, फिर थोड़ा बहुत फेंक देना, फिर एक देना स्टॉप, ठीक है, चलो उसके बाद अभी ये हो गया, तुम्हारा डिलीशन हो गया और तुम्हारा इंसर्शन हो गया, यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो यही पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब एक बार ये देख लो, ये टॉपिक में तो नहीं तुम्हारे इंटरसेप के, बट कैसा एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं तो ज़रा क्लियर हो जाएंगे टॉपिक, थोड़ी सी चीज़ें दूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा बैट है वो सेगमेंट 1 है, बॉल सेगमेंट 2 है, दोनों के देखो सेगमेंट 1 विजिबिलिटी ऑफ, सेगमेंट 1 क्या था बैट, मैंने ऑफ किया, देखो यहाँ पे बैट गायब हो गया, तो यहाँ पे बैट दिख ही नहीं रहा, ठीक है, सेगमेंट 1 रोटेशन 45 डिग्री, तो सेगमेंट 1 देखो कैसा, उन्होंने ये नहीं बोला बैट 45 डिग्री, उन्होंने सेगमेंट 1 को यूज़ किया, राइट, 1 इज 1 क्या है, 1 जो है ना वो यूनिक नेम है, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में जो चीज़ें लिखी हुई थी, यूनिक नेम देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके एट्रीब्यूट्स को या उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओ, तो सेगमेंट का अगर रोटेशन एक्सेस करना है तो उसका नाम तो पता होना चाहिए ना, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम से करोगे ना एक्सेस, तो वैसे यहाँ पर देखो उन्होंने बताओ सेगमेंट 1 45 डिग्री, तुम्हारा बैट घूम गया 45 डिग्री से, ठीक है, उन्होंने क्या क्या है सेगमेंट रोटेशन 45 डिग्री, 1 को उन्होंने रोटेट किया 45 डिग्री से, और सेगमेंट 2 को ट्रांसलेट किया x, अभी ट्रांसलेट मतलब शिफ्टिंग बाय सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कुछ तो ट्रांसलेट x की वैल्यू 4 होगी, 5 होगी, 3 होगी, जो भी होगी, उन्होंने देखो तुम्हारे x को शिफ्ट कर दिया है, राइट, तो तुमको समझ में आ रही चीज़ें, राइट, कैसे कैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स काम करते हैं, अभी देखो स्केल 1/4 मतलब क्या, जो भी साइज़ था उसका 1/4 मतलब उसका साइज़ कम किया है, 1/4 गुना कर दिया है, देखो साइज़ कम हो गई है, तो ये एट्रीब्यूट्स तुमको मतलब समझ में आ गए होंगे ये सब देख के। अभी नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एनिमेशन, ठीक है, अभी एनिमेशन तो बहुत फुद्दू इसी टॉपिक है यार, देखो एनिमेशन में क्या है, तो ये जो टॉपिक है क्या डिज़ाइन ऑफ एनिमेशन सीक्वेंस, इसमें क्या है
भाई इसमें चार चीज़ें हैं, ठीक है, स्टोरी बोर्ड लेआउट, ऑब्जेक्ट डिफाइन डेफिनेशन, की फ्रेम स्पेसिफिकेशन, जनरेशन ऑफ, अभी इसे याद कर लो, मतलब क्या है तुम्हारा एस ओ के जी, ठीक है, अभी उसे कुछ बना के याद कुछ हो सकता है क्या, सोक जी, एस ओ के जी, एक काम करो ना यहाँ पे ना ऐसा बोलो इसको लाइक लेट्स मेक इट इजी, राइट, लेट्स मेक इट इजी को मराठी में कैसे बोलोगे, सोप करुण गया, राइट, सोप करुण गया, तो एस करुण गया इस, ठीक है, एंड एस सोप, एस ओ अभी पी नहीं है बट समझ लो एस ओ इज योर सोप करुण गया, ठीक है, अब गंदा था अच्छा था पता नहीं, बस अगर याद रह गया तो बहुत बहुत बड़ी बात है तुम लोग के लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है, तो एस से तुम्हारा स्टोरी लेआउट हो गया, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, के से हो गया की फ्रेम स्पेसिफिकेशन, जी से हो गया जनरेशन इन बिटवीन फ्रेम्स, ठीक है, अभी आगे देखते क्या है, फर्स्ट तुम्हारा फर्स्ट चीज़ है स्टोरी बोर्ड लेआउट, भाई स्टोरी बोर्ड लेआउट में क्या होता है तुम्हारे भाई स्टोरी क्या है, मतलब क्या है, एनिमेशन कर रहे हो तो कुछ स्टोरी चाहिए होगी ना, हाँ एक कार चल रही है, ठीक है, डोरे नोबिता अपने घर से निकल रहा है और जियान के घर तक जा रहा है, एक स्टोरी लाइन चाहिए, ठीक है, नोबिता सीढ़ियों पे चल रहा है, चलते चलते गिर रहा है, तो उसको एक स्टोरी बोर्ड चाहिए कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर तुम्हारे सीन के लिए जो स्टोरी बोर्ड चाहिए उसे, वो तुम्हारा स्टोरी बोर्ड लेआउट में होता है, ठीक है, तो उसको पढ़ो क्या लिखा है, स्टोरी बोर्ड इज आउटलाइन ऑफ द एक्शन, ठीक है, जो एक्शन होने वाला है ना उसका आउटलाइन को बोलते हैं स्टोरी बोर्ड, एक सेकंड ना इसको मैं ज़रा कलर चेंज करूँ, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ठीक है, स्टोरी बोर्ड क्या है तुम्हारा, स्टोरी बोर्ड क्या है, आउटलाइन है ऑफ द एक्शन, ठीक है, डिफाइन सेट ऑफ बेसिक इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट्स होने चाहिए जो एक ऑर्डर में प्ले ऑर्डर में उनको प्लेस किया जाएगा, जैसे कि नोबिता अगर सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते गिर रहा है इसे एनिमेट करना है तो कैसे करोगे, भाई नोबिता सीढ़ी पर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, उसका एक पैर राइट पैर एक सीढ़ी के कोने पर लगेगा, वो स्लिप होगा, तो ये सारे क्या है तुम्हारे सीरीज ऑफ एक्शन है जिनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस करना पड़ेगा तब जाके एनिमेशन जैसा चाहिए वैसा दिख के आएगा, ठीक है, सच एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इवेंट्स गिव द मोशन सीक्वेंस, ऐसे ऑर्डर्ड सेट होंगे तो जो तुम्हारे एक मोशन जो है तुम्हारे सीक्वेंस को वो तुमको एक्सपीरियंस होगा या वो तुम ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है, तो यार वो वैसा ही है, इसे कैसे बनाते हैं यूजुअली रफ स्केचेस वगैरह से बनाते हैं इनको, भाई कितना ईजी बताओ, इसमें कुछ हार्ड था क्या, और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, देखो तुम्हारे करंट एनिमेशन के अंदर जो जो चीज़ें एक्टिव है, एक्टिव मतलब मूव कर रही हैं या उनको मतलब मुझे समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक एनिमेशन कर रहा हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक होती है कुछ चीज़ें एक्टिव होती है, जो जो चीज़ें एक्टिव है ना वो सब मेरे ऑब्जेक्ट डेफिनेशन के अंदर उनको डिफाइन करना पड़ेगा, की फ्रेम स्पेसिफिकेशन क्या होता है, देखो तुम्हारी की फ्रेम क्या होती है ना, मान लो जैसे कि एक कार चल रही है समझो तो ये तुम्हारा कार है, ठीक है, दिस इज़ योर कार, तुम्हारा कार है थोड़ा गंदा बन गया समझो, तुम्हारा की फ्रेम में मान लो एक कार को मुझे कराना है ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट करा के मुझे कार को करना है क्रैश, समझो तुम्हारा कार था स्टार्टिंग में एक तुम्हारा कार था, ठीक है, और एंड में ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया, कार ने स्टार्ट किया चलना, एंड में कार हो गया क्रैश, अभी क्रैश कैसे बनाऊँ, क्रैश बनाता हूँ कुछ तो ऐसे कार गिर गया तुम्हारा कुछ तो हो गया कार को टूट फूट गया कार, ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया ये तुम्हारा एंड हो गया, इसको बोलते हैं की फ्रेम, ये स्टार्ट और एंड को बोलते हैं की फ्रेम, जो बीच के होते हैं ना जो बीच के होते हैं उनको बोलते हैं इन बिटवीन फ्रेम, इतना ईजी होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा की फ्रेम हुआ वो तुम्हारा एक सेकेंड, तो ये तुम्हारा की फ्रेम हो गया वो तुम्हारा इन बिटवीन फ्रेम हो गया, आप समझ में आ गए होंगे चीज़ें, इसको एक बार इरेज करता हूँ फिर से एक बार कर बताऊँगा एक बार तुम्हें, तो जैसे कि ये जो तुम्हारा चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे तुमको दिया है की फ्रेम स्पेसिफिकेशन दस तेरी की फ्रेम स्पेसिफिकेशन, और ये तुम्हारा इन बिटवीन फ्रेम, की फ्रेम तुम्हारे इनिशियल और फाइनल वाले हो गए और जो इन बिटवीन फ्रेम हो गए वो तुम्हारे बीच की फ्रेम्स हो गए, ठीक है, अब उसके बीच के फ्रेम तुमको जितने डालने हों जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतना स्मूथ दिखता है एनिमेशन तुम्हारा, ठीक है, अगर फ्रेम्स कम होंगे एनिमेशन स्मूथ कम होता है, अगर फ्रेम ज़्यादा होंगे तो स्मूथनेस भी ज़्यादा होता है, अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी तुम लोग को, ठीक है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से इसको एक बार मतलब पढ़ अच्छे से भी क्या बस रीड भी कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉर्फिंग, मॉर्फिंग क्या होता है ना, एक सेकेंड इसको ब्लू से एनोटेट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉर्फिंग, वन सेकेंड, मॉर्फिंग में क्या करते हैं ना, मॉर्फ मतलब क्या, तो क्या लिखा है, स्पेशल इफेक्ट इन द मोशन पिक्चर्स एंड एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज इनटू अनदर इमेज
थ्रू अ सीमलेस ट्रांजिशन, मतलब क्या समझ में आया आपको, एक इमेज को दूसरी इमेज तक लेके जाना, और जो ट्रांजिशन है वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि समझ में नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं सीमलेस। ठीक है, सीमलेस मतलब जो समझ में ना आए। तो सीमलेस ट्रांजिशन के थ्रू एक इमेज से दूसरे इमेज तक गए, बट वो ट्रांजिशन हुआ सीमलेस, उसे कहते हैं मॉर्फिंग। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मान लो अगर तो थोड़ा बहुत कभी एनिमेशन देखा होगा, मान लो एक बंदा है जो चल रहा है, ठीक है, तो जैसे कि ये एक इमेज राइट, समझो एक सेकेंड ना, मान लो ये एक इमेज है, ये सर और ये पैर और ये हाथ, ठीक है। अब देखो इसका एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, अब नेक्स्ट इमेज में अगर मैं ऐसे कर दूँ, अभी जो पैर आगे था ना, पीछे था उसको आगे, तो आगे था पीछे, इट विल बी लाइक समथिंग ये ऐसे ऐसे, और ये जो हाथ ऊपर था उसको नीचे करता हूँ लाइक ये ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला हाथ पहले यहाँ पे ऊपर था, ये वाला हाथ मतलब आगे तक की तरफ था, ये पीछे की तरफ है, ये वाला हाथ पीछे की तरफ था, फिर आगे की तरफ है, ठीक है। तो ये दो पिक्चर है राइट, ये दो पिक्चर है, बट ये सीधा ऐसे झटके में नहीं होता, एक हाथ सीधा यहाँ से यहाँ गया, पहले ये हाथ यहाँ पे आया होगा, फिर हाथ यहाँ पे आया होगा राइट, फिर हाथ यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, धीरे धीरे ये हाथ नहीं, ये मतलब इतना जो उसका जो एक्सिस है क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो कवर किया होगा। तो ये अगर एनिमेशन में अगर मैं सिर्फ दो इमेज बनाऊंगा, ये और ये, तो स्मूथ नहीं दिखेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा यार क्या हो रहा है ये इमेज के बाद इमेज के बाद इमेज। तो मॉर्फिंग मतलब यही है, ठीक है, मॉर्फिंग उसको इसको ऐसे। अभी क्या करूँगा मैं, अगर मैंने इन दोनों पिक्चर के बीच, मान लो अगर मैंने इसके बीच डाल दिया 100 फ्रेम, ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब कितना स्मूथ होगा सब कुछ। अभी समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि अगर मैंने इन दोनों के इमेज के बीच में अगर 100 फ्रेम डाल दी, तो जो इमेज है मेरा, जो ट्रांजिशन है, वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, इसी को मॉर्फिंग कहते हैं। एक सेकेंड करना, देखो मैंने वही लिखा है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। डेफिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो मैंने बताया वही, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ऑब्जेक्ट को एक फॉर्म से अनदर। नाउ नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब यूजिंग पॉलीगॉन टू टू गेम फ्रेम्स फॉर विच इन विच इट इज जनरेटेड फ्रेम्स आर टू जनरेट मॉप, ठीक है। अगर देखो ये सब छोड़ो, ये चीज़ काम की है इसमें, देखो दो की फ्रेम है के और के प्लस वन, ठीक है, के और के प्लस वन, मैंने एग्जाम्पल दिया है 3 पॉइंट है, देखो यहाँ पे दिस इज योर फ्रेम के एंड की फ्रेम के प्लस वन। अब ये देखो यहाँ पे ये लाइन था बस, ठीक है, सिर्फ एक लाइन था इधर, ये मतलब लाइन तो छोड़ो, यू काउंट वर्टिसेस, यहाँ पे सिर्फ दो वर्टिस थे, एक और दो, इधर तीन हो गए, और इसी उन्होंने की फ्रेम वन को उन्होंने इसको ये बनाया। तो अब इसके बीच में कुछ लिंक नहीं, समझ में आना भाई ये हुआ कैसे, क्योंकि ये दो की फ्रेम है, ये स्टार्टिंग का, आई टोल्ड यू व्हाट इज की फ्रेम, स्टार्टिंग का फ्रेम एंड एंड का फ्रेम। अगर इसके बीच में ऐसे देखो, मैंने अभी ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ये तुम्हारा एंड हो गया, इसके बीच में देखो ये सारी तुम्हारी ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है। अगर ये वही की फ्रेम अगर कुछ ऐसा दिख के आए, तो धीरे 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 मतलब ग्रेजुअली चेंज होगा, मतलब लाइन थोड़ी कुछ घूमेगी, फिर ऐसी दिखेगी, फिर वो थोड़ा और टर्न होगी, मतलब कैसा है, जस्ट इमेजिन कर लो कि ये ट्रायंगल है जो जिसको तुम ना सामने से देख रहे हो, तो उससे तुमको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसे कि सर्कल को भी अगर तुम साइड से देखोगे तो तुमको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ राइट, समझ में आ रही चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तुम्हारा इससे वो कहते हैं मॉर्फिंग है, इससे तुम मॉर्फिंग कहते हो, ज़्यादा डीप में मत जाओ, तुम्हारा दिमाग मत घुसाओ, ठीक है, ये ईजी रखो, ईजी इससे दिमाग को लोड नहीं देना, ईजी में समझ के लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, की फ्रेम के हैज़ अ लाइन सेगमेंट राइट, की फ्रेम के में एक लाइन सेगमेंट है, और की प्लस वन में दो लाइन सेगमेंट है राइट, देखो की वाले फ्रेम में सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे दो है, एक यहाँ से 1 से 3 तक और एक 3 से 2 तक, तो दो इसमें दो दो सेगमेंट आ गए। तो सिंस की फ्रेम के प्लस वन हैज़ एक्स्ट्रा वर्टेक्स, क्योंकि तुम्हारे के प्लस वन में एक वर्टेक्स एक्स्ट्रा है, तो क्या करना पड़ेगा, वी एड वर्टेक्स बिटवीन 1 एंड 2, तो हमने 1 एंड 2 के बीच में एक वर्टेक्स ऐड कर दिया, इसका नाम दिया के, टू बैलेंस द नंबर ऑफ द वर्टेक्स इन नंबर ऑफ, यार ये फालतू चीज़ें पढ़ लो, तुम कुछ पढ़ना है तो ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने इन दोनों के बीच में एक वर्टेक्स ऐड किया, जो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड किया एक्स्ट्रा वाला,
ठीक है, ताकि जो ट्रांजिशन है तो स्मूथली दिखा पाए, तो भाई इसको मॉर्फिंग कहते हैं। ठीक है, अगेन मॉर्फिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना इन द सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन या सीमलेस ट्रांजिशन के अंदर, दैट इज नोन एज मॉर्फिंग।